लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इस रैली में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों में बांट देगी। बस फिर क्या था, बवाल हो गया और आज कांग्रेस इसी भाषण को लेकर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इस रैली में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों में वितरित कर देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि ये संपत्ति जमा कर किसे बांटेंगे, जिनके अधिक बच्चे हैं ये संपत्ति उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दी जाएगी, क्या आपको ये मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर कई विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, भारत भटकेगा नहीं। कई कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के इस बयान का क्लिप शेयर करते हुए पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। नहीं, हम तो देख रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं, कपकपी छूट रही है प्रधानमंत्री को, अच्छा लग रहा है देखकर। हाँ, देखा ना हमने कब छीने थे, मंगलसूत्र कोविड के दौरान छीने थे, माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भाषा गैर संवैधानिक है। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। चुनौती है, बिना पढ़े बोलना अच्छी बात नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर पे सहारा का सहारा लेकर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़कर यहां तक देश पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि उनकी सरकार बनी तो सभी की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास कितना सोना है इसकी जांच की जाएगी, हमारे आदिवासी परिवारों के पास सोना चांदी की जो संपत्ति है उसकी गणना की जाएगी, क्या आपको मंजूर है? इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है
वो चिंताजनक है, गंभीर है। और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उस बयान का वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। बता दें कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।